श्री सुखदेव जी महाराज के जीवन में श्री वेद व्यास जी महाराज ने श्री भागवत रूपी अमृत तत्व प्रदान किया और फिर सुखदेव जी महाराज ने इस भागवत की धारा को आगे बढ़ाया है, वो हम आगे कथा में श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत जी में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन व्यास जी करते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। श्रीमद् भागवत की 9 भक्ति, श्रवणम, श्रवण का अर्थ होता है सुनना। अभी जो आप बैठ करके कथा सुन रहे हैं ये भक्ति है, पहली भक्ति। श्रवणम सुनना, क्या सुनना? भगवत चर्चा सुनना, भगवत कथा सुनना, भगवत कीर्तन सुनना। श्रवणम सुनना। लेकिन व्यक्ति 3 प्रकार से सुनते हैं। एक सुनना होता है जो सबसे श्रेष्ठ होता है, कानों से सुनो, हृदय में रखो और जीवन में उतारो। दूसरा सुनना है कानों से सुनो, हृदय में रख लो, समय आए तो जीवन में उतार लो। और तीसरा सुनना जो आज ज्यादा लोग कर रहे हैं, जो तीसरा सुनना है, तीसरे प्रकार का जो लोग ज्यादा पसंद करते हैं वो है एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो। इससे सुनो, इससे निकालो, इससे सुनो, इससे निकालो। तो भैया ऐसे सुनने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, उससे अच्छा तो ये है कि घर पे बैठो 3-4 घंटे कथा पंडाल में बैठ करके समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सुनना तभी सार्थक है जब कानों से सुनो, हृदय में रखो और जीवन में उतार लो। अब पूरी की पूरी कथा तो किसी के वश की नहीं है कि हम जीवन में उतार सके, लेकिन 7 दिन की कथा में यदि 7 मिनट और 7 सेकेंड का भी कोई सुंदर भाव आपके मन को छू जाए और उसे आपने यदि जीवन में उतार लिया कथा में से, तो आपका कथा सुनना सार्थक है और कथा सुनाने वाले का कथा सुनाना सार्थक है। श्रवणम पहली भक्ति। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, कीर्तन करना। कीर्तन तो सभी करते हैं, तो कीर्तन कैसे? कहा कीर्तन करना प्रहलाद जी की तरह, कीर्तन करना नारद जी की तरह, कीर्तन करना ध्रुव की तरह, मीराबाई की तरह। नारद जी कीर्तन करते थे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। संसार का भ्रमण कर रहे हैं, संसार का दर्शन कर रहे हैं, यहां से वहां जा रहे हैं, पर हाथ में वीणा है और मुख में हरि कीर्तन, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मीराबाई का कीर्तन, जहर का प्याला राणा जी ने भेज्यो, पीवत मीरा हांसी रे, पग घुंगरू बांध मीरा नाची रे। मीरा का कीर्तन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। लोग कहें मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंगरू बांध मीरा नाची रे। मीरा का कीर्तन, सास कहती है कुल को कलंकित करने वाली आई है, लोग कहते हैं पागल है,
मीरा के ही कुछ लोग हैं घर के, वो मीरा को विष पिलाने की कोशिश करते हैं। इतने कष्टों को सहते हुए भी मीरा ने अपने जहवा में एक ही नाम धारण किया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन मीरा की तरह, ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन जब करें तो ताली बजाएं, कीर्तन करें तो जोर जोर से गाएं, कीर्तन करें तो कभी भाव में डूब के उठ करके नाचें, वो है कीर्तन। आज लोग कीर्तन करते हैं पर ये देखते कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। किसी के देखने और ना देखने से कीर्तन नहीं होता, कीर्तन तो भाव का विषय है। जब अपने आप कीर्तन करते करते पैर थिरकने लगे, हाथों की तालियां बजने लगे, मुख से जोर जोर से हरिनाम हम गाने लगे, अपने आप सारे शरीर में एक स्फूर्ति आ जाए, आनंद के अतिरेक में हम समा जाए और भाव में डूब करके नाचने लगे, वो है कीर्तन। आज लोगों को कीर्तन करने में शर्म लगती है। आज हमारे युवा वर्ग युवतियां उल्टे सीधे डांस करने में, नृत्य करने में शर्म नहीं लगती, उल्टी सीधी बातें करने में शर्म नहीं लगती, लेकिन जब कीर्तन की बारी आएगी ताली बजाने में शर्म लगेगी, कीर्तन में नाचने में शर्म लगेगी। अरे शर्म आए बुरे कर्मों को करने में, कीर्तन करने में किस बात की शर्म। जिस प्रभु ने तन दिया, मन दिया, वाणी दी, ऐश्वर्य दिया, विवेक दिया, बल दिया, बुद्धि दी, सुंदरता दी, उन्हीं प्रभु का गुणगान करने में यदि शर्म आए तो फिर इससे अच्छा तो हम डूब करके मर जाएं, पर जीना बेकार है हमारा। कीर्तन करना चाहिए। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, तीसरी भक्ति है स्मरणम। भगवान को 24 घंटे याद करो।